इस पुतले को यहाँ से जाना होगा अभी इसी समय। कहीं नहीं जाएगा हमारा पुतला। अगर इसने हाथ लगाया तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। क्या गजब कर रही है लक्ष्मी जी, मैंने गलती से कटआउट क्या लग गया, नीचे लिख क्या दिया कि वो डीजे तो आप अपने आप को एकदम से सचमुच का नेता मानने लग गई। हमें अच्छी तरह से पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें ये भी पता है ये सब आप क्यों कर रहे हैं। विरोधी पार्टी की कोई भी चाल हमें अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। विरोधी पक्ष हा? नहीं, आपको याद दिला दें कि हम आपके पति हैं ना? आप विरोधी पार्टी की एक नेता उनके सुपुत्र हैं। बस पप्पू जी। जी अम्मा जी, हमारा मतलब जी नेता जी। जी नेता जी, पार्टी के प्रचार की तैयारी करनी है, कार्यकर्ता की फौज खड़ी करनी है। हाँ। रजिस्टरी सब कुछ करना है। हो जाएगा नेताजी, आप चिंता मत करिए। विरोधी पार्टी के कोई भी सदस्य ने हमें डराने की कोशिश की तो ये समझ लीजिए हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नेताजी की जय हो। अम्मा जी की जय। अम्मा जी की जय। अम्मा जी की जय। नेताजी की जय हो। चलिए अम्मा जी की जय। ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, ये तुम्हारी अम्मा ही नहीं लग रही, इन्हें पहचाना ही नहीं जा रहा। जी जी, अरे अम्मा है ना? नहीं, ऐसा लग रहा कि कोई और है। अरे बापू जी, अब तो आप भी विरोधी पार्टी में आ गए। आप कहें तो हम पप्पू भैया से बोल के आपका भी कटआउट बनवा दे। अरे पंडित भैया, बापू जी का फोटो खींचो, उनका कटआउट बनवाना है। अरे नहीं, कटआउट का जरूरत नहीं है बेटा। अगर तुम्हारी अम्मा का बस चलेगा ना, चार कार्यकर्ता भेज देंगी, दोनों तरफ से हमको ऐसे चेप दिया जाएगा, बन गया हमारा कटआउट और लगा दिया जाएगा मोहल्ले पे। हे प्रभु, क्या दिन दिखाया प्रभु। नेताजी, कल लक्ष्मी बाल विद्या निकेतन मंदिर के आंगन में कुछ महिलाओं का समूह एकत्रित हो रहा है, जिनको आपको अपने ओजस्वी भाषण से मंत्रमुग्ध करना है। हाँ। मतलब 20-25 मिनट का भाषण हो सकता है। हाँ। तो हाँ, तो अब ऐसा है कि आप तैयार कर लीजिए। हाँ? हाँ। अम्मा, बाबूजी पूछ रहे हैं कि आप उन्हें खाना परोसने आ रही है कि नहीं। क्यों, हमारे हाथ टूट गए हैं? हाँ? नहीं, वो रोज आप ही तो अपने हाथों से उन्हें खाना परोसती है। हाँ, तो फिर आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आज तुम परोसो जाओ। बस पूरी जिंदगी सबकी चाकरी करते रहेंगे, हम घर संभालते रहेंगे, नहीं चलेगी। हमारा जीवन है, हमारी इच्छा से जीने का हमें संपूर्ण अधिकार है। हाँ। अधिकार से याद है हमको नेताजी की कलाप, अपने भाषण में महिलाओं के अधिकार, उनकी उनकी मुक्ति, मतलब ऐसे क्रांतिकारी विषयों पर बोल सकते हैं। हाँ, मुक्ति, अधिकार, पर्चे, पर्चे, पर्चे। हाँ, एक हाँ, कल 11 बजे तक पर्चे हमारे हाथ में होंगे। और वो शाबाश, वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। हाँ, हाँ एक मिनट, नहीं देरी है, 11:30 बजे तक वो भी अपने हाथ में होगा। शाबाश पप्पू जी, बहुत अच्छी तरह से पार्टी संभाल रहे हो।
वो कहा है नेताजी, जो इस बहुमुखी प्रतिभा को पहचान पा रही है, वरना वो बाबूजी नामक प्राणी तो हमको सांड ही कह के पुकारते रहते हैं। इनको छोड़ो, हम कह रहे हैं तुम काबिल हो। जब आप खुद दे कह रही हैं तो हम काबिल होंगे। चलो कल के प्रबंध में जुट जाओ, हम भाषण की तैयारी करते हैं। हाँ। चल चल। नमस्कार। हमारे देश में मर्दों ने औरतों को घर में गुलाम बना के रखा है, अत्याचार किए, लेकिन अब समय आ गया, समय आ गया है अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं, अपने अधिकार के लिए लड़ें। हमें ये देखना है। ये क्या है? आपके भाषण की गलती प्रैक्टिकली दिखा रहे। मतलब? इस घर में उल्टा है मालकिन, यहाँ पति गुलाम। गुलाम? आप तो जल कुकड़े हैं। जल कुकड़े हम? और नहीं तो क्या? आपको जलन हो रही है, हमारी तरक्की हो रही है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, चलते रहिए। एक बात बता दें, हमारे साथ एक दो नहीं अनेकों अनेक समर्थक हैं। हमें तो पता ही नहीं था हम इतने प्रसिद्ध हैं। इसे प्रसिद्धि नहीं, इसे दिखावा कहते हैं लक्ष्मी जी। और भीड़ का क्या है, वो तो नाचते हुए बंदर के आसपास भी इकट्ठा हो जाया करती है। बंदर? आपने हमें बंदर कहा? हमने मिसाल दी। बंदर का मिसाल? अरे लक्ष्मी जी, बंदर के पीछे काहे पड़ी है भाई, बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं है, एक मृग तृष्णा है। आपको जो लग रहा है कि मैं शक्तिशाली हूँ, ये शक्तिशाली होने का जो आभास आपको हो रहा है वो मात्र भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसकी रचयिता आप खुद है। आपको ये सब पसंद नहीं है, आप देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आंखें बंद कर लीजिए। वैसे भी हमसे कितना प्रेम है हम जानते हैं, इतनी सी बात के लिए तलाक देने निकले थे, भूले नहीं हैं हम। ये क्या लक्ष्मी जी, तो कहां की बात को कहां ले जा रही है, किसे जोड़ दे रही है? वैसे अगर आप हमारे समर्थक बनना चाहें तो हमारे पार्टी में हम आपको एक पद दिला सकते हैं। अच्छा, कौन सा पद दिलाई गई इस गरीब को नेताजी? सोचना पड़ेगा। अच्छा, और इतना घूमने के बाद, इतने सालों के शादी के रिश्ते के बाद सोचना पड़ेगा, तब तो हम विरोधी पक्ष में ही भले। अरे ये सब छोड़िए लक्ष्मी जी, एक गर्मा गर्म दूध पीजिए, गला तर हो जाएगा, कल के भाषण में आवाज खुल के निकले। मेरी प्रिय बहनों और सिर्फ बहनों, हमें देखना है इस मोहल्ले का विकास, उसके बाद पूरे शहर का विकास, देश का विकास, हम सबका विकास। अरे आपको पता है, अम्मा तो बाबूजी को कह रही थी कि आप तो विरोधी पार्टी के नेता के बेटे हैं। क्या? बाप रे। और जब पप्पू भैया ने अम्मा को अम्मा बुलाया तो अम्मा बोलती है हमें अम्मा ना बुलाओ, नेताजी बुलाओ। अब हमें क्या पता था कि ये कटआउट घर के बाहर रखने से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे भैया ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, और पता नहीं उस पे किसने लिख दिया कि वोट दीजिए। हमें पता चल गया ना, भोलेनाथ की कसम मुंह तोड़ देंगे उसका। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा होगा भी क्यों नहीं, नेताजी के बेटे जो हैं आप। और आप नेताजी की बहू? हाँ बहू, ऐसी बहू जिसे नेताजी पसंद ही नहीं करती और सिर्फ अपने समर्थकों के लिए चाय नाश्ता बनवाती। आज बहुत काम करना पड़ा ना आपको किचन में। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके,
जब मैं काम कर रही थी तब तो आपको बहुत मस्ती सूझ रही थी। तो भैया क्यों नहीं सूझेगी मस्ती है? अपनी पत्नी से मस्ती नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी से करेंगे? अच्छा, और बात क्या है, चाहे बेडरूम हो या किचन, मस्ती तो कहीं भी सूझ सकती है ना। क्यों, चलिए आखिरी निवाल। नहीं नहीं बस बस बंटी, मेरा पेट भर गया बस। चलिए सागरिका, हमने सुना है खाने के बाद कुछ मीठा भी खाया जाता, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। नेताजी की, नेताजी की। तो आप लोगों को कुछ कहना था, एक एक करके कहिए। हाँ मिश्रा जी, हम आपके लिए लड्डू लेके आए हैं, देसी घी के बने हुए, ताजे ताजे, आज ही बनाए हैं मैंने। बात करते, दिखाई दिखाई दिखाई। अम्मा इसे छू करके आप पवित्र कर दीजिए, हम इसे खा के देखते हैं कैसे हैं। खा लेना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाती है आप लड्डू। अरे लक्ष्मी जी, मैंने हमारा रुमाल कहाँ है भाई? बरा, हमारे बाबूजी को रुमाल दे दो, हमें मांग रहे हैं। अच्छा आज टिफिन देने का जरूरत नहीं है, हम दोपहर में घर पर ही आएंगे खाना खाने, ठीक है? बहन जी कौन सी सड़क की बात कर रही थी आप? वो जो वाला सड़क के बारे में बात कर रही थी। हम जा रहे हैं कॉलेज, सुन रही हैं आप? हाँ हाँ मिश्रा जी, आप जाइए ना, बहन जी व्यस्त है हम लोगों के साथ। और वैसे भी आप मर्दों ने हम औरतों को घर की नौकरानी बना के रखा है, बस ऑर्डर ही देते रहते हैं, ये कर लो, ये बना लो, ये ले आओ, जरा से भी फुर्सत नहीं देते। आपकी जानकारी के लिए बता दे मुक्ता बहन, हम हर लोग बाहर मेहनत करके कमा के लाते हैं, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, अरे अभी तक आया नहीं। ये पत्नियां कहती हैं पतियों से, बताइए कौन नौकर हुआ और कौन जेठानी। आजकल की औरतों ने बस लंबे लंबे भाषण कंठस्थ कर लिए हैं मर्दों के खिलाफ, ये नारी मुक्ति के नारों ने प्रताड़ित करके रखा है हम मर्दों को। बहनों, इस देश के मर्दों ने अगर खुद का काम खुद करना सीख लिया तब इस देश की आधी समस्याएं दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नेताजी की जय, नेताजी की जय। हां वैसे भी औरतों के सामने मर्दों को बोलने का हक कहाँ होता है, वह बना के रख देते हैं अपने कमरे में, वो भी सफेद वाला निरुत्तम। कुछ नहीं, आप ध्यान दो, आप नेता बन गई। किसे बोले थे कचोरी ले ऐसे साले हैं। अरे बंटी भैया प्रणाम। अरे बाबूजी। हाँ पिताजी हैं आपके? वो हम देखे नहीं, कुछ सोच रहे थे। सवेरे सवेरे ऐसा सोचते सोचते कहाँ से आ रहे, तो ये है क्या हाथ में? अम्मा ने कहा था क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए कचोरियां बनाई जाए। अरे हाँ। लेकिन क्या है ना, सागरिका की कमर अकड़ गई कल समोसे और कचोरी बनाते बनाते, हमने सोचा हम सवेरे जाके खुद ही ले आते हैं, बस वही लाने गए थे। एक सलाह दे रहे हैं बेटा तुमको, अभी से चेता दे रहे हैं जी, अगले कुछ दिनों तक तुम अम्मा के आस पास फटकना भी मत। क्यों, क्या है बेटा? क्या अभी तो केवल सागरिका बिटिया की कमर टूटी है, पर तुम्हारा तो जो हाल होगा ना बेटा, और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी होगी। और वैसे भी हम लोगों के लिए अब कहां समय है अम्मा जी के पास है? हम नहीं बाबूजी, आपके लिए समय नहीं। माने लगता है अम्मा ने रुमाल नहीं दिया सवेरे आपको। अरे वो आपके जेब में पेन तक नहीं दिख रही है। हाँ, आज हाथ में टिफिन तक नहीं है बाबूजी, आपकी हालत समझ रहे हैं हम। एक काम कीजिए, किसी को नहीं बोलेंगे, दोपहर को घर पे आ जाइएगा, खाना खिलवा दें। पत्तल लेके आए अपना या थाली तुम दोगे? ज्यादा चौड़े मत बनो समझे ना, तुम भी मर्द हो ये मत भूलो, अम्मा रूपी नेताजी ने मर्दों के खिलाफ ही मोर्चा खोल के रखा है।
बात करता है बाप के साथ। क्या बात है डार्लिंग, कमरे में ला करके दरवाजा बंद कर रही हो, आधी नहीं बड़ी रोमांटिक टाइप फीलिंग आ रही है। बाबूजी ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, हम पूछते क्या जरूरत थी, सुबह से हम देख रहे हैं आप अम्मा जी के पिछलगू बने घूम रहे हैं, क्या जरूरत थी वहाँ वहाँ औरतों के बीच में बैठने की, भाषण चाड़ने की, बोलिए। डार्लिंग अम्मा जी के पिए हम, दुनिया भर का काम करना है हमको, इसलिए औरतों के बीच में बैठे थे, उनकी समस्याएं वगैरह लिख रहे थे। पप्पू जी हाँ। अम्मा जी तो नेता बन जाएगी ना, लेकिन उनसे हमारा क्या फायदा, सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी के नाम की माला जप रही हैं, उन्हीं की जय जयकार कर रही हैं, और हम यानी कि आपकी रानी दूर खड़ी अम्मा जी को देखती जा रही है, देखती जा रही है। हम दोनों तो सिर्फ केले चपाते बन के रहेंगे पप्पू जी। और एक बात हम आपको कहें, आपको पता है पीए का मतलब क्या होता है, बताइए। अंग्रेजी में कुछ कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट। नहीं नहीं पप्पू जी, नेता के पीए का मतलब होता है चपरासी, और हम अपने पप्पू जी को, इंटेलिजेंट पप्पू जी को नौकर बनता नहीं देख सकते पप्पू जी। अरे डार्लिंग कौन स्कूल में पीए का मतलब चपरासी बता दे, खैर बताओ कर करना का चाहती हूँ, का करना का है, जैसे कहो कि वैसा कहेंगे, बताओ क्या करना है। पप्पू जी हाँ? हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है हाँ? लेकिन वो हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमसे वादा करेंगे कि आप हमारा भी अम्मा जी की तरह स्टैंडी बनाएंगे, उतना ही बड़ा, नहीं 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 पप्पू जी हाँ? उससे भी बहुत बड़ा है ना। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा सोचा भी कैसे बंटी, अगर अम्मा जी को पता चल गया ना फालतू में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। समझ रहे, आपको ना हमारे साथ वक्त बिताना ही नहीं, कल भी जब आपसे पूछे थे आपने ये कहा ना कि आपको नींद आ रही है आप थक गई हैं, तो चलिए हम भी समझे कि आपने पूरा दिन काम किया आपको नींद की जरूरत है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना, अरे आपको अम्मा के काम से बचा कर ही हम बाहर लेके जा रहे हैं ना, लेकिन आपको फिर भी नहीं आना, मुझे तो ऐसा लगता है आप हमसे प्यार ही नहीं करते। अरे बंटी आप मेरी बात को समझिए, मम्मा जी वैसे ही मुझे ताना देती रहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, अब मैं उन्हें मुझसे नाराज होने का एक और मौका नहीं दे सकती। सागरिका कैसे नाराज होंगी, वो अम्मा तो अपने पार्टी के चक्कर से बाहर नहीं निकलती, अरे उन्हें तो ये तक नहीं पता होता कि उनके बगल में चाय का कप स्वरा रख रही है रत्ना जी रख रही है, अब ऐसी स्थिति में और ऐसी मानसिकता में क्या वो ये सोचेंगी कि सागरिका घर पे है या घर के बाहर है, बताइए। समझ गए, आप तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, आप तो नेताजी की बहू है ना, उनकी नजरों के सामने आपको नाम कमाना है, हम तो आपके कुछ हैं। बंटी प्लीज अब आप मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, ठीक है, आपको पता है मुझे अम्मा जी के 25 कार्यकर्ताओं के लिए खाना बनाना है अभी। बहुत बढ़िया, अब तो आपको हमारी बातें भी ब्लैकमेल लगने लग गई हैं। छोड़िए मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ये तो सच में नाराज हो गए, अब मैं क्या करूं, कुछ करना पड़ेगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं, तो अब चलना नहीं है। हाँ लेकिन आप ही को अम्मा के डर से कहीं बाहर नहीं जाना ना हमारे साथ, तो ना सही। अच्छा अभी छोड़िए, मुझे ना आपको सरप्राइज देना था इसीलिए तब मना किया था, अब चलते हैं। ओ,
लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? आपको मुझे बाइक चलानी सिखानी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links below and enjoy watching the videos.